फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी एस सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स में चैप्टर सेवन द सिलेंडर जिसका ये लेक्चर है फर्स्ट ये द सिलेंडर ज्योमेट्री वाली बुक का है अगर आपको इसके प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देखने हैं तो मैंने उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं सो so, आज हम पढ़ेंगे द सिलेंडर सो so, सबसे पहले मैंने यहाँ सिलेंडर की जो बुक में आपकी बुक में गिवन है डेफिनेशन लिखी है और सिलेंडर का डायग्राम बनाया है जो मैं एक्सप्लेन भी करूंगी सो लेट स्टार्ट अ सिलेंडर इज अ सरफेस जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन स्पलेंडर एक ऐसा सरफेस है जो जनरेट होता है स्ट्रेट लाइन से विच इज पैलर टू अ फिक्स लाइन जो कि फिक्स लाइन के पैलर होता है जैसा कि आप देख सकते हैं ये पैलर है एंड सेटिस्फाई वन मोर कंडीशन और एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो कंडीशन क्या है इट मे इंटरसेक्ट अ फिक्सड कर्व और ये इंटरसेक्ट करता है एक फिक्स कर्व और मे टच सरफेस और टच भी कर सकता है एक गिवन सरफेस को सो so, ये तो हुई सिलेंडर की डेफिनेशन जो कि आपकी बुक में गिवन थी अब पर्टिकुलर सभी को पता है सिलेंडर क्या होता है सिलेंडर की शेप क्या होती है नॉर्मली सिलेंडर की शेप ऐसी होती है इन थ्री डी फिगर ठीक है सो so, यहाँ पर कुछ इस थ्री डी जोमेट्री में कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं जैसे कि सिलेंडर है सो सिलेंडर के बिल्कुल मिडिल से अगर कोई लाइन जाती है तो उसको फिक्स स्ट्रेट लाइन बोलते हैं और उस सिलेंडर की एक्सेस भी बोलते हैं और जो सिलेंडर्स की लाइन होती है इसको बोलते हैं जनरेटर एंड जो इसके साइड में कर्व्स बने होते हैं इसे बोलते हैं गाइडिंग कर्व क्योंकि क्वेश्चन में जब गिवन होगा क्वेश्चन जब आपसे पूछेंगे तो वो उसी लैंग्वेज में होगा कि गाइडिंग कर्व बताइए जनरेटर बताइए एक्सेस बताइए तो उसी लिए आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया सो so अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं सो so और क्लियर हो जाएगा कि सिलेंडर के रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होंगे सो फ्रेंड्स देखिएगा मैंने एक क्वेश्चन भी यहाँ पर नोट कर दिया है और इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगी फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर एक सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड करनी है हुज जनरेटर्स जिसके जनरेटर मैं अभी बता चुकी हूँ जनरेटर्स क्या होते हैं आर पैलर टू द लाइन एक लाइन गिवन है एक लाइन की एक्स इक्वल्स टू आई अपॉन टू इक्वल्स टू माइनस ए जो उसके जनरेटर जो है सिलेंडर के वो इस लाइन के पैलर हैं एंड हुज गाइडिंग कर्व और जिसका गाइडिंग कर्व क्या है ज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के वन एंड सेड इक्वल्स टू के जीरो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है क्वेश्चन में हमें सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशन सो करते हैं कैसे होगी इक्वेशन फाइंड सो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं हमें क्या क्या चीज गिविन है सो so, सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिविन है सो so, मैं यहाँ नोट कर लेती हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स इक्वल्स टू एक्स ओवर वन ही सपोज कर लीजिए एक्स ओवर वन इक्वल्स टू वाई ओवर टू इक्वल्स टू माइनस जेड ओवर वन जो कि हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है मैंने इसको कंसीडर कर लिया कि ये क्वेश्चन हमारी वन है इतना क्लियर है बाकी हमें एक कर्व भी गिवन है यहाँ पर गाइडिंग कर्व सो हम गाइडिंग कर्व भी नोट कर लेते हैं कर्व जो गिविन है वो है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के वन एंड जेड इक्वल्स टू के ज़ीरो ठीक है और इसको कंसीडर कर लेते हैं ये हमारी सेकंड इक्वेशन है ठीक है तो हम सबसे पहले बाय डायग्राम अगर इसको इसी क्वेश्चन को समझते हैं तो बाय डायग्राम कुछ नहीं है एक सिलेंडर है हमारा सेम एज इट इज जिसका गाइडिंग कर भी होगा जनरेटर भी होगा एक फिक्स स्ट्रेट लाइन भी होगी तो इसके जनरेटर पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई पॉइंट है पी कोई पॉइंट है इसके जनरेटर पे पी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वन वाई वन एंड जेड वन ये मैंने कंसिडर कराया ओके okay, इसकी लैंग्वेज लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पर एक्सप्लेन करती हूँ ऑफ द लाइन इट मीन्स हम जो जनरेटर है इसका उसको इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख देते हैं बिकॉज जनरेटर भी एक लाइन की तरह ही होता है तो ब्रैकेट में मैं यहां जनरेटर लिख देती हूँ इक्वेशन ऑफ द जनरेटर भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ द जनरेटर फाइंड करने के लिए थ्रू द थ्रू द पॉइंट जो कि अभी हमने कंसिडर कराया थ्रू द पॉइंट एक्स वन वाई वन एंड जेड वन एंड पैलर टू द एंड पैरल टू द जो कि क्वेश्चन में भी गिविन था पैलर है हमारे किसके गाइडिंग कर्फ के पैलर टू द गाइडिंग कर्व ठीक है सो so, पैलर टू द लाइन सॉरी पैर टू द लाइन लाइन के पैलर था पैलर टू द लाइन सो so, हम यहां लिख देंगे पेलर टू द लाइन वन लाइन वन कंसिडर करा था ना हमने इस इक्वेशन को तो लाइन वन इतना क्लियर है सो कैसे फाइंड करेंगे एक्स माइनस एक्स वन ओवर वन बराबर वाई माइनस वाई वन और ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख रही हूं मैं पॉइंट कंसीडर करके पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने एक्स वाई वन जेड वन तो इजीली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते हैं डे आर सेम ही रहेंगे जेड माइनस जेड वन ओवर माइनस की वन और इस इक्वेशन को कंसीडर कर लिया मैंने थर्ड ये क्वेश्चन हमारी थर्ड इतना क्लियर है उसके बाद इक्वेशन थर्ड जो होगी लाइन जो हमारी ये थर्ड है मीट द प्लेन जेड इक्वल्स टू के जीरो जो कि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में भी गिविन था जेड इक्वल्स टू के जीरो तो मैं उसी का यूज करूंगी यहां पर कि जो लाइन थर्ड है इट मीन्स ये वाली द लाइन द लाइन थर्ड मीट द प्लेन मीट द प्लेन z इक्वल्स टू जीरो इट मीन z वाला टर्म क्या होगा जीरो so, सो वाली जो इक्वेशन होगी वो कैसे हो जाएगी अब देखिएगा x माइनस एक्स वन ओवर वन वाई माइनस वाई वन ओवर टू एंड इक्वल्स टू z वाला टर्म जीरो जीरो माइनस जेड वन ओवर माइनस का वन वो मैंने नीचे ले लिया माइनस का वन सो ये हो गया अब यहां से हम वैल्यू फाइंड करते हैं एक्स वाई और जेड की तो z तो ज़ीरो हो गया है तो z की वैल्यू तो जीरो ही रहेगी x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो x इक्वल्स टू एक्स वन और ये z1 वन प्लस के इधर जाके प्लस का z1 वन प्लस का माइनस का है तो x1 वन प्लस जेड वन की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू के एक्स वन प्लस जेड वन कैसा है ये वाला टर्म फर्स्ट वाला टर्म और थर्ड वाले टर्म को इक्वल रखिए जब आप इक्वल रखेंगे तो इक्वल रखने पे एक्स की वैल्यू आएगी एक्स वन प्लस जेड वन सेम एज इट इज़ वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेकेंड वाला और थर्ड वाले टर्म को इक्वल रखेंगे तो देखिए टू जेड वन इधर जाएगी ये टू मल्टी डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा टू जेड वन और वाई वन माइनस का इधर जाके प्लस का वाई वन ठीक है तो y1 वन माइनस का वन है माइनस का जाके वो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया माइनस के वन से माइनस का z1 तो टू जेड वन एंड प्लस का y1 वन सो वाई की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है वाई इक्वल्स टू के टू जेड वन प्लस वाई वन सो फ्रॉम इक्वेशन टू अब हम यूज करेंगे इक्वेशन टू का देखेगा जो यहाँ पर ये इक्वेशन टू हमने लाइट की थी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू के वन और इक्वेशन टू में हम x एंड y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे ओके okay? देखिएगा कैसे एक्सप्लेन करती हूँ मैं अभी, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल तो फ्रॉम इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन टू टू इक्वेशन थी हमारी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन एक्स और वाई की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे क्वेश्चन टू में थ्री एक्स स्क्वायर के प्लेस पर एक्स वन प्लस जेड वन का होल स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर वाई की प्लेस पर टू जेड वन प्लस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के वन अब तो इजीली सॉल्व हो जाएगा इजीली सॉल्व करते हैं थ्री ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू एक्स वन जेड वन का फॉर्म लगाया है प्लस टू सेम एज इट इज हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए वी टू टू जो फोर जेड वन वाई वन इक्वल्स टू गे वन ईजिली मैंने खोल रहा है अब उसके बाद थ्री के अंदर मल्टीप्लाई थ्री एक्स वन का स्क्वायर प्लस थ्री जेड वन का स्क्वायर प्लस थ्री टू जो सिक्स एक्स वन जेड वन प्लस टू फोर झा एट जेड वन का स्क्वायर प्लस टू वाई वन का स्क्वायर प्लस टू फोर एट जेड वन वाई वन इक्वल्स टू के वन इजिली कैलकुलेशन करिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब कलेक्ट कर लेंगे सेम वाले टर्म्स को एक्स वन का स्क्वायर कहीं भी नहीं है तो उसको एज इज देंगे थ्री एक्स वन का स्क्वायर अब क्लियर दिख रहा है उसके बाद y1 का स्क्वायर देखेंगे y1 का स्क्वायर भी कहीं नहीं है तो प्लस के टू वाई वन का स्क्वायर जेड वन का स्क्वायर जेड वन का स्क्वायर थ्री जेड वन का स्क्वायर प्लस एट जेड वन का स्क्वायर नाइन टेन एलेवन जेड वन का स्क्वायर एक्स वन जेड वन एक्स वन जैड वन एज इट इज आ जाएगा सिक्स एक्स वन जेड वन सेम टर्म कहीं नहीं है उसके बाद वाई जेड वन और वाई वन तो प्लस एट वाई वन जेड वन और ये इक्वल्स टू m1 वन माइनस का वन इक्वल्स टू जीरो सो हमारी ये इक्वेशन हो गई है लेकिन सिलेंडर की इक्वेशन एक्स वाई जेड के टर्म्स में होती है तो हम लिख देंगे यहां पर हैंस लोकस ऑफ द एक्स वन वाई वन एंड जेड वन एक्स वन वाई वन जेड वन की प्लेस पर एक्स वाई जेड आ जाएगा एक्स वन की प्लेस पर एक्स वाई वन की प्लेस पर वाई जेड वन की प्लेस पर जेड सो इक्वेशन हो जाएगी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस इलेवन जेड स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स जेड प्लस एट वाई जेड माइनस के वन इक्वल्स टू जीरो सो ये हमारी रिक्वायड इक्वेशन हो गई है जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा था क्या पूछा था फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर हमने सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड कर दी सो आई थिंक फ्रेंड्स क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड करनी है विच इंटरसेक्ट जो इंटरसेक्ट कर रहा है द कर्व एक्स स्क्स बीवाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू के वन एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एनजेड इक्वल्स टू के पी इट मीन्स हमें एक सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि दो कर्व गिवन है इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है वो सिलेंडर उस सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड करनी है और आगे क्वेश्चन में बोला है एंड हुज जनरेटर्स जिसके जनरेटर्स आर पैलर पैलर है किसके एक्स एक्सेस के ठीक है इट मीन्स जो सिलेंडर के जनरेटर होते हैं ये सिलेंडर के जनरेटर्स होते हैं तो इसके जो जनरेटर है वो पैलर है किसके एक्स एक्सेस के क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं और क्या गिवन है और कैसे हम फाइंड करेंगे सो so, क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है क्योंकि मैं सबसे पहले क्वेश्चन ही एक्सप्लेन करती हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा है सो so, सबसे पहले जो जो चीज हमें गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं एक तो हमें ये वाला कर्व गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बीवाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू के वन ये गिवन कर्व है और हम इसको गाइडिंग कर्व बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ गाइडिंग कर्व इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन ऑफ गाइडिंग कर ओके गाइडिंग कर्व देन हमें एक और इक्वेशन दी है जो कि प्लेन की इक्वेशन होती है एलेक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू के पी सो इसको हम सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं ठीक है इतना क्लियर है उसके बाद हमें ये भी बात बोलिए कि एक्स एक्सेस के पैलर है तो हम अपनी सॉल्यूशन में लिख देते हैं कि सिंस जनरेटर इस बात को ध्यान में रखकर करना है कि वो एक्स एक्सेस के पैलर है सिंस जनरेटर ऑफ सिलेंडर सिलेंडर का जो जनरेटर है इस पैलर टू इस पैलर टू एक्स एक्सेस एक्स एक्सेस के पैलर है सो हम इसी का यूज करेंगे क्वेश्चन में जब बोला है एक्स एक्सेस के पैलर है तो हम इसका यूज करके ही क्वेश्चन को करेंगे सो एक्स एक्सेस के पैलर है तो हम इक्वेशन सेकंड में फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड सेकंड से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं कितनी आएगी देखिए पी माइनस एम वाई एम वाई माइनस एन जेड ओवर एल मल्टीप्लाये डिवाइड में एल सो so, हमने ये वैल्यू फाइंड करी है एल की फ्रॉम इक्वेशन टू ये क्वेश्चन को करने का फॉर्मेट है जब भी बोलेंगे कि एक्स एक्सेस के वैल्य है वाई एक्सेस के वैलर है तो दोनों जो कर्व दिए होंगे उसमें से एक कर्व में से हम उस एक्स एक्सेस की वैल्यू निकालेंगे वाई एक्सेस बोला होता है वाई की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन वन में सब्सिट्यूट कर देंगे सो so, हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं तो पुट इन इक्वेशन वन ओके एक्स की वैल्यू वैल्यूशन वन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड इक्वल्स टू के वन में हम पुट कर देंगे ए एक्स स्क्वायर के प्लेस पे पूरा टम पी माइनस एम वाई माइनस एन जेड ओवर एल का होल स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू के वन एज इट इज ओके इतना क्लियर है ओके okay. फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ए पी माइनस एम वाई माइनस एन जेड का होल स्क्वायर और एल के स्क्वायर की पूरे की एलसीएम ले लेंगे एल स्क्वायर होगा एलसीएम ली तो यहाँ पर इस वाले टर्म में भी एल स्क्वायर जाएगा बी एल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू के वन अब एल स्क्वायर को वन के पास भेज देते हैं तो ये हो जाएगा ए पी माइनस एम वाई माइनस एन जेड का होल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू के एल स्क्वायर बिकॉज ये एल स्क्वायर यहाँ चला गया मल्टीप डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया इतना क्लियर है उसके बाद इजीली ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्म होता है वही खोलेंगे हम ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले की क्लास में सो so, मैं अभी बस ऐसी ओरली बता दिया तो मैं एक ए को साथ में मल्टीप्लाई करती रहूँगी ए स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर तो ए को इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखती रहूँगी ए पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर ए साथ में मल्टीप्लाई में लिख दिया प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर जेड स्क्वायर और ए साथ में लिख दिया माइनस टू ए बी तो माइनस टू ए बी और ए बी साथ में मल्टीप्लाई में ए पी एम वाई फिर माइनस ऑलरेडी माइनस है टू बी सी एम वाई एन जेड एन जेड और ए मल्टीप्लाई में तो ए बी आई थिंक क्लियर हो रहा होगा ये माइनस माइनस था प्लस प्लस माइनस था तो माइनस हो गया देन माइनस टू सी ए एन जेड पी एन जेड पी तो ए बी एन जेड पी क्लियर है बाकी सारे टर्म एज इट इज प्लस बी एल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू के एल स्क्वायर बाकी सारे टर्म एज इट इज के एज इट इज क्लियर है इतना या फिर डायरेक्ट ऐसे करते हैं इसको यहां माइनस के एल स्क्वायर मतलब एल वाले टर्म को एल स्क्वायर वाले टर्म को इधर इक्वल्स टू के तो माइनस के जीरो ठीक है सो so, हमें कलेक्ट करने में अब इजीली कलेक्ट हो जाएंगे अब हम देखेंगे कुछ कुछ सेम वाले टर्म्स को कलेक्ट कर लेंगे तो देखिए यहां वाई स्क्वायर दिख रहा है मुझे यहां पर भी वाई स्क्वायर दिख रहा है तो मैंने वाई स्क्वायर वाले टर्म को कलेक्ट कर लिया कलेक्ट कर लिया है तो वाई स्क्वायर वाले टर्म्स को जब मैंने कलेक्ट कर लिया तो देखिए यहां से बचेगा ए एम स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाले टर्म्स कलेक्ट करूंगी तो ए एन स्क्वायर प्लस यहां पर देखिए सी एल स्क्वायर ये जेड स्क्वायर वाले कलेक्ट करे वाई स्क्वायर वाले कलेक्ट कर लिए लिएड स्क्वायर वाले कलेक्ट कर लिए अब बाकी सारे टर्म एज इट इज टू ए प्लस का था ये टू ए एम वाई एन जेड माइनस टू ए पी एम वाई प्लस ए पी स्क्वायर ये वाला टर्म माइनस टू ए एन पी पी जेड माइनस एल स्क्वायर ये वाला टर्म इज इक्वल्स टू जीरो सो ये जो सो so, ये हमारी हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन और यही हो गया आंसर जो हमें क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर तो हम इक्वेशन सिलेंडर की फाइंड कर चुके हैं और यही इसका आंसर तो so, इसी फॉर्मेट से होगा ये क्वेश्चन आई थिंक फ्रेंड्स आपके क्लियर हो गया होगा कि सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होने हैं थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज शेयर लाइक एंड कमेंट माई वीडियो थैंक यू फ्रेंड्स